दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस के नाल रूबरू होंदे अपनी दिल्ली के बनी सरकार उन्होंने भविख के प्लैनों बारे गल की। छह सात क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर है जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपए है। उसके साथ साथ पंचायत ने एक पंचायत सहायक लगा रखे हैं यहाँ पे, जो टीचर नहीं है पर बच्चों को संभालने का काम करती है, एक असिस्टेंट समझ लीजिए। तो एक टीचर जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपए और साथ साथ एक पंचायत से मिली हुई सहायिका जो स्कूल, ये चन्नी साहब के हल्के के स्कूल के हालत है। तो अगर इसको हम नंबर वन कहेंगे कि हमने टीचर्स इतने लगा दिए, ना सब शानदार कर दिए, तो ये तो बच्चों के साथ मजाक है। मैं तो उन टीचर्स को जो भी यहाँ हैं हाथ जोड़ के मैंने नमस्कार किया कि कमाल है आपका कि आप 5 क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा ले रहे हो अकेले, ये बहुत बड़ी बात है। उन टीचर्स को हेड्स ऑफ है जो इसका विरोध नहीं कर रहे, जो इसमें हालात के आगे समझौता करके स्कूलों को केयर कर रहे हैं, बच्चों को केयर कर रहे हैं। सरकार तो केयर नहीं कर रही है। आपने दूसरा स्कूल भी देखा, वहाँ पर दूसरा स्कूल तो बहुत ही बुरी हालत में था, चकलाना विलेज में, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ तो ठीक है, सारे कमरों में जाले लगे हुए हैं बुरी तरह से, टूटे पड़े हैं, फर्नीचर तोड़ तोड़ के कमरों में भरा हुआ है। स्मार्ट क्लास रूम के नाम पर वहाँ टीवी है, तो टीवी का प्लग अलग है, वो एक हुक लगाया हुआ है, उस पर कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मुख्यमंत्री जी, हाँ कंप्यूटर भी यहाँ पे देखा, वो कोने में टूटा पड़ा है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल मिले कांग्रेस को, 5 साल मिले थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को। हेलो, 2014-15 में दिल्ली के स्कूलों की हालत भी ऐसी होती थी, टीचर्स नहीं होते थे, उनके खड़े होने की जगह नहीं होती थी, टॉयलेट देखो यहाँ दोनों स्कूलों में टॉयलेट बहुत खराब, दिल्ली में भी ऐसी होता था। दिल्ली में टीचर को बहुत मुश्किल होता था 6-7 घंटे स्कूल में रहना, तो यहाँ पर तो डरने जाना पड़ता है, इसलिए बच्चे टीचर सब मन मारते हैं। आज दिल्ली के स्कूल चमक रहे हैं और मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूँ कि बस साथ दीजिए, एक बार मौका देके देखिए, पंजाब के स्कूल भी 5 साल के अंदर अंदर ऐसे चमकेंगे जैसे दिल्ली के। ऐसे स्कूलों की क्या लिस्ट देंगे प्रगट सिंह जी, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, जहाँ 5-6 क्लासेस को पढ़ाने के लिए एक टीचर है उनकी।